वरिष्ठ बुद्धिजीवी कार्यकर्ताओं को जिसने क्रांतिकारी वीर जगदियाबा भगवान बिरसा मुंडा जी का 144वां जयंती बड़ी धूमधाम से जो मनाया जा रहा है, तो गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन मध्य प्रदेश की ओर से सादर सादर देवा जोहार पहुंचे। साथ ही इस मंच में उपस्थित सामाजिक वरिष्ठ बुद्धिजीवी मेरे मार्गदर्शक दादा राधा रावेन राज तिलक धुर्वे दादा की चरणों में मेरा सादर सादर सेवा जोहार पहुंचे। साथ ही इस मंच में उपस्थित गोंडवाना स्वालेरी मिनी स्वालेरी दादा बाल सिंह मराबी के चरणों में मेरा सादर सादर सेवा जोहार पहुंचे। साथ ही इस मंच में उपस्थित समस्त कार्यकर्ता बुद्धिजीवियों को मेरा सादर सादर सेवा जोहार पहुंचे। साथ ही आप सभी जो भारत के भाग्य विधाता हैं, जनगण मन के अधिनायक हैं, इस धरती के श्रम वीर हैं, अन्नदाता हैं, जिनके खून पसीने के दम पर कभी भारत विश्व गुरु कहलाता था, ऐसे गोंडवाना के राजकुमार और रानी राजकुमारियों को स्वयं सहाय प्रकड़ी की ओर से सादर सादर सेवा जोहार पहुंचे। तो मेरे कोई तो सगा जनो, हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे गोंडवाना इस धरती में ऐसे महापुरुष हुए हैं जो अपने हक अधिकार के लिए जान न्यौछावर किए हैं। उन्हीं में से एक हमारे क्रांतिकारी वीर भगवान बिरसा मुंडा जी थे, जिन्होंने 25 वर्ष में ऐसा काम कर दिखाया जिसे लोग जब तक पृथ्वी रहेगा हमेशा की तरह याद करते रहेंगे। बाबत भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 में रांची झारखंड, जो छोटा नागपुर का पठार का अभी हिस्सा है, वहां जन्म हुआ था मुंडा समुदाय में। उन्होंने अपने हक अधिकार, उस टाइम में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था जो गरीबों को सताया करते थे, बिरसा मुंडा जी अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, जिन्हें 1900 में जेल में बंद कर दिया गया था, जिसे जहर दे देकर मारा गया था, और बाद में अंग्रेजी शासन के द्वारा ये बता दिया गया था कि हैजा का बीमारी था करके। हमें हम सभी को ये सीख लेना चाहिए कि हम हमारे समाज के लिए ऐसा कर दिखाएं, कर गुजरे कि समाज हमें हमेशा के लिए याद करे, हम समाज के लिए ऐसा कर जाएं, इस समाज के लिए हम ऐसा कर जाएं जिस समाज में हमने जन्म लिया है, जिस समाज का हमने रोटी खाया है, बेटी दिया है, मरने पर भी कंधा देगा, ऐसे समाज का हम हकदार हैं। इस समाज को हमारा सबसे पहला ये कर्तव्य होता है कि इस समाज को हम कुछ दे सके। इससे पहले हमें शिक्षित बनना होगा। बाबा साहेब के हमें तीन बातों को याद करना होगा। शिक्षित बनो, सबसे पहले हमें शिक्षित बनना होगा, शिक्षा प्राप्त करना होगा, क्योंकि बिना शिक्षा के हम अधूरे हैं, हम पशु समान हैं बिना शिक्षा के। शिक्षा ही हमारे मनुष्य का चरित्र का निर्माण करता है, इसलिए शिक्षित बनो, संगठित रहो। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, अकेले लड़ाई लड़ेंगे, हम कभी भी कामयाबी नहीं कर पाएंगे। इसलिए संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर अपन संगठित होकर संघर्ष करते हैं तो हमेशा अपन हर चीज में हक अधिकार के लिए सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। मैं बात दादा गोल्ड मेडलिस्ट दादा गिरासी मकाम जी का भी कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। दादा जी का यह कहना है, जिसका होगा राज उसका होगा काज, जिसका बनेगा राजा
उसका बजेगा बाजा। तुम्हें इस बात को ध्यान में रखती हुए जैसे संविधान में भाग 9 में दिया गया है ग्राम सभा, तो इस ग्राम सभा हमारे लिए एक ऐसा साधन है जो लोकसभा ना ग्राम सभा सबसे बड़ी ग्राम सभा मावा नाटे महाभारत, इस बात को हमें समझना होगा। तो मैं अब ग्राम बरगा के जो डिंडौरी जिला के अंतर्गत आता है, आपको संविधान में हक अधिकार दिया गया है जो 244(13) के अनुसार 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो आप मैं आपका गांव बरगा ग्राम बहुत आगे से प्रचलित है और अच्छा कार्य कर रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं ग्राम बरगा के समस्त ग्रामवासियों को गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की ओर से सादर सादर धन्यवाद पहुंचे। तो ग्राम सभा में न लोकसभा से पैसे आता है न विधानसभा से, सीधे सीधे राज्यपाल द्वारा आपके गांव को पैसा स्वीकृत किया जाता है। तो इसके लिए हमें ऐसा मुकदम चुनना होगा जो हमें धरातल से हमारे समाज के लिए कार्य कर रहा हो, हमारे गांव के लिए अच्छा विकास कर सके, ऐसे हमें मुकदम चुनना होगा। और अगर कोई भी पुलिस प्रशासन या बाहर से आता है या कोई भी, तो संविधान के नियमों के दौरान यह नियम दिया गया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर ग्राम में ग्राम सभा सशक्तिकरण है तो बिना मुकदम के गांव में कोई भी प्रवेश नहीं किया जा सकेगा। इसलिए आप सभी को ऐसा ग्राम सभा चुने, हर हरे क्षेत्र में चुने, जिससे हमारा हक अधिकार के लिए हम एकत्रित होकर लड़ाई लड़ सकेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। जय गोंडवाना नाच करेगा।